नमस्कार, वीआईपी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं पीके सिंधुस्तानी खास खबर के साथ। योग स्वयं और समाज के लिए आयुष विभाग हरियाणा एवं हरियाणा योग आयोग द्वारा 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्लॉक स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। चौधरी बंसीलाल गर्ल्स कॉलेज तोशाम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री मनोज कुमार दलाल जी SDM तोशाम एवं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुमित बैनीवाल जी, तोशाम के सरपंच डॉक्टर राजेश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता अनिल शर्मा जी माँ शारदे के चरणों में दीप प्रज्वलित करके योग प्राणायाम किया। इस दौरान ये संकल्प लिया गया कि प्रकृति व परमात्मा ने हमें जो दिया है उसके साथ खिलवाड़ ना की जाए। और इतनी भीषण गर्मी का अब जो कारण है वो पेड़ों की कटाई और पेड़ कम लगाए जाने के कारण जो धरती का तापमान बढ़ रहा है, आने वाले समय में वह पूरी मानव जाति के लिए व समस्त प्राणियों के लिए बहुत भयानक खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए पेड़ लगाओ और प्रकृति बचाओ का प्रण लिया गया। इस मौके पर सभी को एक एक तुलसी का पौधा वितरण करके शपथ दिलवाई गई कि अब की बार 5,000 पेड़ लगाए जाने का संकल्प लिया गया। दो तीन चीजें मुझे आपसे बात करनी है, ज्यादा हम लंबाई से खींचेंगे नहीं। और इससे पहले कि मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आप में से कितने वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में योग को ढाल रखा है, जो सुबह शाम योग करते हैं, सुबह जरूर करते हैं, एक बार ऊपर हाथ करके जरूर बता दें। अगर आप योग करते हैं रोजाना तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, एक बार उनके लिए जरूर तालियां बजा लें। और अगर आप योग नहीं करते तो फिर यकीन मानिए कि ये जो आज के दिन का ये बड़ा कार्यक्रम है ना, ये आपके लिए है फिर। क्योंकि जब हमारे पुरातन संस्कृति में इस पतंजलि महर्षि पतंजलि के द्वारा इस योग को प्रारंभ किया गया था ना, अष्टांग योग के जरिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसका एक हिस्सा है ये। अगर और वहां से वो जटिल थी चीजें, बहुत ज्यादा जटिल, लेकिन ये हमारी संस्कृति का बड़ा हिस्सा। और स्वामी रामदेव जी को ये यकीनन जाएगा क्रेडिट कि उन्होंने इसे बहुत सरल रूप में, बहुत बढ़िया रूप में, एक सामान्य व्यक्ति उसे कर पाए उस रूप में उसको शामिल किया, उसको बनाया, उसको